जाती हूँ, हर अधिकारी के पास जाती हूँ, पर कोई सुनता नहीं है। मेरे हमारे जो पटवारी है उन्होंने मेरी रिपोर्ट बिल्कुल गलत बना के भेज दी है। वो मेरी पात्रता इसलिए खत्म करना चाहती हूँ कि मैं अनुसूचित जाति जमात जाति से मन रखती हूँ। अभी तक मेरे को मार्गदर्शन नहीं मिला जिसमें आपको अनुमति प्राप्त करने की क्या जरूरत है, किसकी अनुमति दी है? सर मेरी शिकायत है, मतलब मैंने दो विश्वास सरकार की योजना है, जैसे दो विश्वास हमारी जमीन मिलने, जैसे मकान डालने के लिए उसके लिए मैंने आवेदन पत्र दिया था जो 2018 से दिया, मैंने 16-5-2018 3 साल हो गए हैं लगभग। एक छोटा सा मकान डालना उसके लिए 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अकेली जाती हूँ, हर अधिकारी के पास जाती हूँ पर कोई सुनता नहीं है। एवडीएम सर के पास जाती हूँ, वो गुमराह करते हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, तो फिर काम ही हो रहा है। इसलिए पहले मतलब पहले कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक बात यह भी कहना चाहती हूँ, मेरे हमारे जो पटवारी है उन्होंने मेरी रिपोर्ट बिल्कुल गलत बना के भेज दी है। वो मेरी पात्रता इसलिए खत्म करना चाहती हूँ कि मैं अनुसूचित जाति जमात जाति से मन रखती हूँ, क्योंकि जो मुझे जमीन अलॉट हुई वो स्टार्टिंग से ये मेन मुद्दा था कि वो वन विभाग जी थी। 2017-18 की जो बात कर रहे हैं, ये लैंड भेजी थी प्रपोजल बना के ना, फिर वहां से फॉरेस्ट लैंड थी, इस तरह से जो NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो नहीं मिल पाया था। फिर DSAR से जो नया उसमें आया था कि इसको अल्टरनेट लैंड जो हमने प्रपोज की थी सर, उसकी बजाय जो है दूसरी लैंड को अदर देन फॉरेस्ट लैंड, तो उसके लिए प्रसाद सिंधार साहब के पास उनको फाइल हमने दे दी थी कि दोबारा नए प्रपोजल बना के अगर फाइल करते हैं। उनका क्वेश्चन बोलते हैं वही चाहिए जहां वो लैंड है ना सर, आगे पीछे बोलते हैं वहां जाना नहीं, इस तरह का जो मेरी नॉलेज में और यहां कंसर्न भी साहब है सिद्धार्थ साहब के साथ। मैं जो मानक बिंदु मेरे को दे रखे हैं इसमें जो हायर हेडक्वार्टर से, उसके अनुसार छानबीन की, तो छानबीन में ये पाया गया कि इनके पिताश्री के नाम जमीन है तो वो उसके चलते ये पात्रता नहीं रखती है। वो मैंने अगले मार्गदर्शन लेने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा हुआ है, अभी तक मेरे को मार्गदर्शन नहीं मिला। कितनी जमीन है इनके पिताजी के नाम है जी? कितनी जमीन है पिताजी की? इनके पिताजी के नाम 546 सेंटीयार्ड जमीन है सर। मेरे फादर हैं, मतलब मेरे जमीन नहीं है सर, क्योंकि इनके कभी बात हुई इनके तीन बेटा दो आप वो बना के भेजा। मैंने मार्गदर्शन मांगा है कि जैसे मेरे को मार्गदर्शन मिल जाएगा तो उसमें समय लगेगा। DFO साहब यहाँ पे सर उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन से ये बोलेंगे मेरी तरफ से ये आप केस हैंडल कर रहे हैं वो आप ये बोलेंगे वो वहाँ पे पात्र है हस्बैंड, इसका पात्र तो हस्बैंड ने आपसे केस बनाई है, इसमें आपको अनुमति प्राप्त करने की क्या जरूरत है, किसकी अनुमति दी आप? अपने लेवल पे भी आप लोगों को इन लोगों की ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए आप केवल कागज काले करते रहेंगे तो इनकी हेल्प कभी नहीं होगी। आप अपनी हस्बैंड की अपने लेवल पे मिले इनको इनको बताइए कि अगर इनके हस्बैंड के नाम से इनको लीक मिल सकता तो इनके हस्बैंड के नाम से इनको लीक कीजिए। ये जो हम लोगों ने ये लीग बनाया हुआ ना, यहाँ से चिट्ठी आगे लिखी, वो आगे की आगे चले, वो यहाँ आएगी कल वहां जाएगी परसों वहां जाएगी, उसका काम तो वैसे वैसे 17 से लेकर 21 खत्म होने लगा, उसका तो कुछ हुआ नहीं, आपका कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसे नहीं काम करे ऐसे साहब। इसको हफ्ते एक हफ्ते के अंदर इसको उनको पूरा रिजॉल्व करके रिपोर्ट करें, विद इन 1 वीक 8 दिन नहीं होना चाहिए, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। क्या नाम आपका? वंदना कुमारी। वंदना जी क्या समस्या थी आपको? मेरी समस्या थी कि मैंने जो सरकार की विश्वा दो विश्वा तीन विश्वा योजना उसमें 2018-16-5-2018 से आवेदन कर रखा था, उसमें मुझे अलॉट जमीन तो 2 साल तो वैसे अलॉट नहीं, 18 से 19 तक तो अलॉट नहीं हुई, उसमें मैंने 1100 में कंप्लेन की, 1100 में कंप्लेन करने पर मुझे पटवारी और तहसीलदार बोलते हैं कि तूने 2 एप्लीकेशनें दी है। मैंने उस टाइम बोला कि अगर 2 दिए तो 1 में करो ना कार्रवाई, और वहाँ जो 1100 है उन्होंने बोला कि अगर पति के नाम कार्रवाई करो, इन्होंने मेरे पति की पूरी छानबीन की, मेरे पति पात्र पाए गए पर मेरी कास्ट के आधार पर जो मुझे रोका गया, कास्ट के आधार पर कि मैं हरिजन कास्ट से मतलब जमात जाति से संबंध रखती हूँ, जो जमीन मुझे मिल रही है वो जैसे नाई मतलब समुदाय होते हैं उनके मतलब उनका जनघर बना हुआ है वहाँ पर, मेन मुद्दा मेरी कास्ट का। जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए, पहले मुझे पटवारी ने जो मतलब मुझे ये बोला कि ये वन भूमि है, हर बार ये प्रस्तावित करते हैं कि वन भूमि है, जो 2000 की इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 2006 की उसमें ये वन भूमि नहीं मानी जाएगी 1974 के एक्ट के अनुसार, तो ये मुझे मिल सकती है, तो ये मुझे मिल सकती है, पर ये पटवारी मुझे सिर्फ जाति के आधार पर जो मेरे ये मतलब मुख से नहीं बोल रहे कि मैं जाति के आधार पर, ये सिर्फ कागजों में ऐसे मेरी पात्रता खत्म कर दे कि मेरे पति मेरे मेरे फादर। आप जनमंच में आए हैं? हाँ जी, जनमंच में मंत्री के सामने आपने बात रखी। हाँ जी, क्या आश्वासन मिला आपको? ये बोलते हैं कि 7 दिन में आपकी समस्या का निपटारा होगा, आगे देखते हैं क्या करते हैं ये। मैं यही चाहती हूँ कि ये जो जमीन मुझे लौट हो रही है सिर्फ कास्ट के आधार पर रुकी है ना, 3 साल से कास्ट के आधार पर रोका है ये मतलब मुद्दा, अगर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिए मेरे अब मेरे फादर की मेरे फादर की पात्रता है जो मुझसे मिलाई जा रही है, जबकि सांझा पटा मिलेगा पति पत्नी दोनों को।
तो बेटा तो मुझे मेरे पति को ही मिलना चाहिए क्योंकि मैं रहती तो पति के साथ हूँ। डीसी से इस पत्र, इसके बारे में पत्र भी आया है इनको, पर वो भी पत्र इन्होंने दबा के रखा है 8/9/2021 को। मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी थी डीसी सर को कि ऐसी ऐसी बात है और आप मैं क्या चाहते हैं कि मैं पति को छोड़ के मायके में रहूँ जाकर, वहाँ डालूँ मकान या, और पटवारी ने मेरी इस तरह से रिपोर्ट बनाई, आप बताओ मुझे क्या करूँ। तो डीसी सर बोलते कि मुखिया या अवैध की अवैध का जो भी पात्र रखता है, या मुखिया रखता है, या मुखिया रखती है, जो भी रखती है उसको नाम अलॉट करो। आज दिनांक तक भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं प्रशासन। इनका ये मतलब है कि मैं कास्ट ऐसी कास्ट से संबंध रखती यानी हरिजन कास्ट, यही होता है यहाँ पर। हमारी नीचे कोई सुनने वाला नहीं है, एक दफ्तर में जाओ दूसरे दफ्तर में जाओ, रिकॉर्डिंग ये भी है मेरे जो पटवारी, वो कहते हैं कि तेरे दादा ससुर या तेरे सास ससुर ने इतने बच्चे पैदा क्यों कर दिए हैं, पैदा करने के उस टाइम में ये पटवारी सर ने बोला है। मैंने उनकी कंप्लेन भी की है डीसी सर से के पास 28/12/2018 को, ये की है मैंने कंप्लेन की है। आपके पटवारी ऐसा बोलते हैं, ये आपसे रंजिश रखते हैं क्योंकि मैंने काफी कंप्लेन इनकी की है। हाँ जी।